मीडिया के साथियों, ये बैठक प्रेस वार्ता का आशय यह है कि हम लोग अति पिछड़ा समूह जो बिहार में आज बिहार के सरजमी पर पांच सोशल ग्रुप है संवैधानिक रूप से, उस पांच सोशल ग्रुप में अगर मैं सबकी आबादी के साथ भी कहूं तो पहला ग्रुप हमारा अति पिछड़ा ही है, जिसकी आबादी लगभग 45 से 46% है। ये सबसे बड़ा संख्या वाला जनसमूह ये पांचवा संवैधानिक ग्रुप, ये पहला संवैधानिक ग्रुप है। दूसरा है पिछड़ा वर्ग की, पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 18% है। उस समय जो मंडल कमीशन में सेंसस हुआ था उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि 52% थी टोटल, उसमें से 18% के आसपास पिछड़ा और बाकी अति पिछड़ा थे। और तीसरा समूह जो है वह अल्पसंख्यक का है, उनकी भी आबादी लगभग 17% है, और 17% में से उस आबादी में से 11% आबादी जो है वह अति पिछड़ा का मुसलमानों की है, और मात्र 5-6% जो है वही अगड़े मुसलमानों की है। लेकिन मैं पूरे मुसलमानों की संख्या की बात कर रहा हूँ कि 17% है। इसी तरह से चौथा ग्रुप दलित है, दलित की भी आबादी 17% है, उसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है। और पांचवा जो है अंतिम ग्रुप है वह है अगड़ों की, सवर्ण की, सामान्य की, सामान्य की भी आबादी 12 से 14% है। वैसे जो जाति गणना का रिकॉर्ड अभी आएगा सामने में तो और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर 1931 और बाद के दिनों में जो सर्वे हुआ है उसी पर आधारित मेरा यह आंकड़ा है। तब पांचवा ग्रुप है अगड़ा सामान्य वर्ग का है, और पहला ग्रुप है अति पिछड़ा का है। लेकिन अति पिछड़ा की स्थिति जो है सब ग्रुपों से बदतर है, चाहे वो सत्ता की बात कर लें, चाहे संपत्ति की बात कर लें, चाहे मीडिया हाउसेज की बात कर लें, चाहे इंडस्ट्री हाउसेज की बात कर लें, या शासन प्रशासन की बात कर लें, ये सारे बिंदुओं पर आज है या पिछड़ा है। हम लोग के सर्वमान नेता, जैसे अम्बेडकर साहब को हम लोग सर्वमान नेता मानते हैं पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, उसी तरह से बिहार के सरजमी पर अति पिछड़ों के जो सर्वमान नेता थे उनका नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर वैसे व्यक्ति है जिनको अति पिछड़ा के कोई भी समूह जो है, कोई भी जाति विशेष है, उनको नेता अपना मानता है, उनको आइकन अपना मानता है। और हम लोग जब जगे हुए नहीं थे उस समय हमारे अधिकारों की चिंता आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने की 1978 में उन्हें जो आरक्षण दिया जिसको कर्पूरी फार्मूला के नाम से जानते हैं, और कर्पूरी फार्मूला का मतलब था कि बिहार में पहली बार अति पिछड़ों की कोई अगर नेता राजनेता ने चिंता की उस व्यक्ति का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के आत्मा उस दिन कराह रही थी जिस दिन 2015 में आरक्षण में अति पिछड़ा के श्रेणी में उन तथाकथित संपन्न जातियों को डाल दी गई। ऐसे तो कई जाति की बढ़ाई गई संख्या, जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय मात्र 94 जातियां थी, लेकिन 94 जातियां को कुछ कालखंड में सरकारों ने अपने अपने हिसाब से जातियों की संख्या बढ़ाते गया, और जाति की संख्या बढ़ते बढ़ते 127 जाति हो गई। लेकिन कुछ जातियों को विलोपित भी किया गया, कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में भेजा गया, कुछ जातियों को इसके बदले दूसरे वर्ग में भेजा गया। तो मिला जुला के आज भी 113 जातियां विद्यमान है। तो 113 जातियां में 110 जाति पर हमें कुछ नहीं कहना, 110 जाति हम लोग सब मिले हुए हैं, यह जो मोर्चा है 110 जातियों का संयुक्त मोर्चा है। लेकिन जो कालखंड में 2015 में मौजूदा सरकार और उस समय भी आज जो सरकार का स्वरूप है लगभग वही स्वरूप 2015 में था, और उस सरकार ने ये तीन तथा कथित संपन्न जातियों को अति पिछड़ा के मूल श्रेणी में शामिल कर दिया। अब शामिल करने से जो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, जो हमारे हकबारी की गई, इसका 7 वर्षों से और आज 8 वर्ष होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज हम जगे हैं, जिस दिन यह मामला ये कैबिनेट में आया था उस दिन से हम जगे हुए थे। उस दिन भी माननीय नेता लालू प्रसाद जी के यहाँ हम और दानी प्रजापति जी, किशोरी दास जी भी नहीं आए, हम लोग गए थे और उनको आगाह किया था। लालू जी ने भी भरसक कोशिश की थी लेकिन ये मामला नहीं बनी। उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय गए, न्यायालय में भी संपन्न जातियों के खिलाफ ये जो विपन्न जातियां थी नहीं टिक सकी। फिर उसके बाद मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है,
इस बीच में हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोगों ने यह बात तय किया है और उसी का आगाज है कि तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा श्रेणी से बाहर करने के साथ साथ 5 सूत्री जो मांग है उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर कर्पूरी ठाकुर की जो जन्म स्थली है पितौंधिया, जिसको आज हम कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं समस्तीपुर में, वहां से कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति पर मल्यार्पण करके हम लोग परसों यानी 2 अक्टूबर को वहां से पद यात्रा का प्रारंभ करेंगे। उस पद यात्रा में हजारों लोग रहेंगे पूरे बिहार भर के, अति पिछड़ा की जो 110 जातियां हैं उसके साथ ही उसमें शामिल रहेंगे। उस रथ पद यात्रा का हरी झंडी दिखा करके जो वहां के कर्पूरी ठाकुर जी के जो बड़े सुपुत्र हैं और आज के तारीख में माननीय राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय रामदास ठाकुर जी, उसको हरी झंडी दिखा करके पद यात्रा को रवाना करेंगे कर्पूरी ग्राम से। और वह पद यात्रा 2 अक्टूबर से चलते चलते विभिन्न रूटों से चलते चलते विश्राम करते करते 7 अक्टूबर को हम लोग पटना पहुंचेंगे और पटना में मिलर स्कूल का मैदान पहले से बुक है, मिलर स्कूल के मैदान में हम लोग का समापन समारोह होगा। लेकिन समापन समारोह के अवसर पर आरक्षण बचाओ सम्मेलन भी होगा जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है और पूरे बिहार भर के हर जिले से 110 वंचित तबकों के जो लोग जातियां हैं उसे लोग शिरकत करेंगे। और वह जो 5 सूत्री मांग है उसको मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ। पहला जो मांग है तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा के श्रेणी में से हटा करके उनका एक अलग इस तरह से BC1 BC2 है उस तरह से BC3 उनका ग्रुप बना दिया जाए और उनकी जो संख्या का अनुपात है उस अनुपात में उनको आरक्षण भी दे दिया जाए। इसलिए मैं कहीं से भी किसी जाति के विरुद्ध हम लोग नहीं है।